हाँ अम्मी, बस निकल ही रहे हैं हम थाने से। नहीं नहीं नहीं, हमारे लिए प्लीज़ ना वो बॉइल्ड वेजिटेबल्स बना के रखिए। अरे कुछ नहीं, वो डीएसपी सर आए थे और हमारा वजन अभी तक 2 किलो बढ़ा हुआ है, इसलिए। जी अम्मी, हमें लैंडलाइन पर एक फ़ोन आ रहा है, हम आपसे थोड़ी देर में बात करते हैं। जी हेलो, हम अनारकली बोल रहे हैं। हमने सुना है कि आप हमारा केस नहीं देख रही हैं, कांस्टेबल संतोष शर्मा देख रही हैं। हाँ ऐसे ही कुछ है। नहीं नहीं, आप ही हमारा केस देखिए। अगर आप हमारा केस देखेंगे ना तो हमको पूरा भरोसा है कि हमको पूरा इंसाफ मिलेगा। कांस्टेबल संतोष शर्मा के बस का नहीं है हमारा केस। आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे यहाँ आप सबको बड़े अच्छे से जानती है। हाँ हाँ हम जानते हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि संतोष शर्मा अगर ये केस देखेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। कोई भी आपका केस हैंडल करे, हम करें या संतोष शर्मा करें, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। ठीक है, आप घबराइए मत। पुष्पा जी। जी मैडम सर। पुष्पा जी आप हैं? नहीं नहीं, हम नहीं हैं। क्या ये अब समझ में आया आपने ये सारा नाटक? आइए आप सामने आइए, सामने आकर बात करिए। जी मैडम सर। पुष्पा जी, मतलब आपने एलपीजे डाइट प्लान शुरू किया ताकि आप इस फिटनेस चैलेंज में जीत सकें, आपका वजन कम हो जाए, लेकिन वजन कम होने की बजाय आपका वजन और बढ़ गया। अब ये फ्रॉड अगर आप सामने लेकर आएंगी तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि फिटनेस चैलेंज में आपने चीटिंग की, इसीलिए आपने अनारकली बनकर यहाँ फोन किया और एलपीजे कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की। करेक्ट? भूल हो गई मैडम सर, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मगर हम भी क्या करते, जब से पुलिस फोर्स ज्वाइन किया हमारा बस एक ही सपना था कि कभी तो हमें कोई एक केस लीड करने को मिले तो हम भी उसे जी जान लगाकर सुलझाए। वो दिन तो कभी आया नहीं, मगर हमारी रिटायरमेंट की उम्र जरूर आ गई। काश हमारी ये ख्वाहिश कभी पूरी हो पाती कि पुलिस फोर्स में आके हमने कुछ तो किया, किसी को तो न्याय दिलाया, किसी के साथ तो इंसाफ किया। और यही सपना देखते देखते पता नहीं कब हमने वो ऐड देखा, कब उनके चंगुल में फंस गए, कुछ समझ ही नहीं पाए मैडम सर। हमें बहुत बुरा लग रहा है, इस उम्र में ठगे जाने की शर्मिंदगी हमें जीते जी मार रही है मैडम सर। हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें माफ़ कर दीजिए। इट्स ओके पुष्पा जी, कोई बात नहीं। और इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है, गलती करने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। हाँ हाँ, मगर मैडम सर हमने अनारकली बनकर इंसाफ मांगा इसलिए नहीं कि हम उन्हें सबक सिखाना चाहते थे या उनसे बदला लेना चाहते थे, बल्कि इसलिए मांगा क्योंकि बात सिर्फ हमारे साथ हुए धोखे की नहीं है। हमारे जैसे और भी कितने सारे लोग होंगे जिनके साथ ये धोखा हो रहा होगा या फिर आगे भी होता रहेगा। और पता नहीं कब तक ये डाइट प्लान वाले ऐसे ठगते रहेंगे लोगों। ऐसे लोगों पर कानून का अंकुश लगना बहुत जरूरी है मैडम सर। आप ठीक कह रही हैं पुष्पा जी, अब इस केस को हम पर्सनली हैंडल करेंगे। पकड़ा जाएगा, इन सब को पकड़ा जाएगा और सजा भी मिलेगी, इंसाफ भी होगा। आज के बाद कोई इस ठग का शिकार नहीं होगा। पुष्पा जी, पुष्पा जी हमारी बात सुनिए। स्पेशल चाय। पुष्पा जी हमने बात की संतोष से, लेकिन वो जिद पर अड़ी है कि जब तक अनारकली खुद आकर एफआईआर नहीं लिखवाएगी हम कुछ नहीं करेंगे। वो तो ऐसा ही कहेगी ना, नहीं नहीं जो भर्ती हुई है अभी वो वैसे केस सॉल्व करने की कोशिश करेगी जैसे उसको ट्रेनिंग मिली है। बिना एफआईआर के आपके जैसा जलाल और करिश्मा सिंह जैसा भोकाल सीखने के लिए बहुत चांद सूरज देखने बाकी है उसे। बात तो सही है। पुष्पा जी, पुष्पा जी बैठिए, इत्मीनान से बैठिए, ये लीजिए लीजिए। संतोष शर्मा 24 साल की है, वो वही करेगी ना जो उसने सीखा है, जो उसको ट्रेनिंग मिली है। ये भी सही है, लेकिन हम आपकी परेशानी भी समझते हैं। अगर करिश्मा सिंह को पता चल गया कि आप ही अनारकली हैं तो फिर क्या? ऊपर से जो मिलेगा इस बात का मजाक उड़ाएगा। लेकिन पुष्पा जी अगर एक नजरिए से देखा जाए तो ये एलपीजी कंपनी वाले गलत भी तो नहीं है। वो गलत है मैडम सर, वो लोग ठग रहे हैं शहर के भोले भाले और शरीफ लोगों को। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, उनके एड में जो लड़की आती है ना वो भी खुद यही कह रही थी, खुद को बैंक कर्मचारी होने का दावा करती है और कहती है जब से ये डाइट प्लान हमने जिंदगी में यूज करना शुरू किया है हमारी तो जिंदगी बदल गई है और जिंदगी खुशगवार हो गई है। वाओ, क्या थे कैसे क्या हो गए हम, कुछ भी तो नहीं। क्या है मैडम सर हमने उस लड़की का पता लगा लिया है और उसके साथ बात भी की है। मैं तो कई तरह के ऐड करती हूँ और जहाँ जो प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है मैं वो बोलती हूँ कि मेरी ज़िंदगी बदल गई। इनफैक्ट मैंने कल ही एक चकाचक दंत मंजन का ऐड किया था। आपको क्या लगता है ये मेरे चकाचक दांत उस मंजन की वजह से, जब से मैं पैदा हुई थी तब से मेरे दांत ऐसे। पैदा हुए तब से मतलब दांत जब से आए तब से। ये सब मार्केटिंग है मैडम, ठीक है। जो जितना कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलता है ना उसका प्रोडक्ट उतने ही हाई लेवल पे बिकता है। मतलब तुम ये मानती हो ये एलपीजी डाइट वाले जो अपना प्लान बेचते हैं वो झूठ बोलकर बेचते हैं? हाँ तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अभी हमारे साथ हमारे थाने चलिए और हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने ये सब कुछ दोहराइए, चलिए। अरे नहीं मैडम, क्या कर रही हैं आप? मैं क्यों ऐसा करूँगी? क्योंकि हम है हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ, और हम इस फ्रॉड मार्केटिंग केस की छानबीन कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते, करियर बर्बाद हो जाएगा हमारा। कौन देगा हमें ऐड में काम? झूठ बोलने के पैसे मिलते हैं मैडम, सच बोल के तो भूखा मरना पड़ेगा। अरे माफ कीजिए मैडम, माफ कीजिए, इतना कानून तो मैं भी जानती हूँ। आप कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए हमें फोर्स नहीं कर सकती है। सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। पुष्पा जी अगर ये सारी बातें सही है तो ये सरासर धोखाधड़ी है, फ्रॉड है। इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इसका पर्दाफाश होना चाहिए। वही तो। लेकिन पुष्पा जी संतोष भी तो गलत नहीं है, बिना FIR के हम करें भी तो क्या करें? अगर बल्ली ने हम पर उल्टा केस कर दिया कि हम खुद पुलिस वाले होकर ही FIR बनाकर उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तब क्या करेंगे? समझ में नहीं आ रहा है, करे तो क्या करें? हमारे पास भी कोई आइडिया नहीं है। पुष्पा जी बिल्लू कहाँ है? पता नहीं कहाँ जाके मर गया है। अरे हाँ याद आया, बिल्लू को तो हमने ही भेजा है ना 1000 रुपए देकर पार्टी करने के लिए। अच्छा हाँ, अब क्या है वो इतनी मेहनत करता है, इतनी मदद करता है हमारी, तुमने दे दिए थोड़े पैसे कि जाए जाकर एंजॉय कर आए। अच्छा आदमी, इज अ गुड मैन। बिल्लू गुड मैन? नो बैड मैन। बदनाम भाई, उलिकबाल भाई, बिल्लू 1000 रुपए पाया लेकिन हमारा उधार नहीं चुका है। पैसा खर्चा कर सर बिल्लू को पकड़ते हैं, उधारी अपनी वसूल करते हैं। चलो फिर चोर चंडाल को पकड़ लीजिए। संतोष को FIR चाहिए ना, तो उसे FIR मिलेगी और वो FIR देंगी आप अनारकली बनके, और वो FIR लिखेंगे हम। आप हमारा प्लान सुनिए। क्लियर? यस मैडम सर। उत्तम, अति उत्तम। लाठी तोड़े बिना शाम को मारने में आप तो गुरु हैं हसीना मलिक। आपको प्रभावित आपके ही ढंग से करना होगा। जी बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आप? वो आप बोल नहीं सकती है। हमारे माथा पे कुछ है? नहीं। आप माथा पे? करिश्मा मैडम, आप लिखते लिखते फूल बन गई। जी आप एक बार फिर से समझाइए ना। लड़की फिगर है, सुंदर है आप, आपका फिगर। एक मिनट, आप हसीना मैडम के बारे में बात, हसीना मैडम के बारे में बात कर। वेरी गुड जी, आप बताइए आप कौन है? अनार और फूल, इसका हम क्या करेंगे? अनार, कली, अनार कली। अच्छा तो आप अनारकली हैं, आप वही अनारकली है ना जिन्होंने वो एलपीजे कंपनी की शिकायत करने के लिए थाने में फोन लगाया था? आप वही अनारकली है, एलपीजे कंपनी का डाइट प्लान लिया था वजन घटाने के लिए? हाँ, आप वही अनारकली है ना, वजन घटाने के बजाय आपका वजन बढ़ गया। हाँ, आप वही अनारकली है ना कि वो डाइट प्लान में पैसे बर्बाद हो गए आपके। हाँ, वही है संतोष। आपसे ही तो मिलना था मुझे। मैं कांस्टेबल संतोष शर्मा, आपका केस मैं ही देख रही हूँ। देख क्या रही हूँ? आपका केस तो मैं ही लीड कर रही हूँ। पर आप तो बोल सकती हैं ना, बोल क्यों नहीं रही हैं? क्योंकि यही तो तय हुआ था ना। हाँ, देखिए संतोष मैडम का आदेश था कि पहले अनारकली को ढूंढा जाए, उसकी FIR लिखी जाए। हमने वही किया। अनारकली ने जिस PCO से हमें फोन किया, हमने उसका एड्रेस निकलवाया। एड्रेस से हमने CCTV फुटेज निकाला और फुटेज से हम इनके घर पहुंचे। लेकिन घर जाके पता चला कि ये ना ही सिर्फ थाने नहीं आना चाहती बल्कि FIR भी नहीं लिखवाना चाहती, है ना? हाँ, लेकिन क्यों नहीं लिखवाना चाहती आप? दिक्कत क्या आपकी, हमको समझ नहीं आ रहा है। वो तो उन्होंने हमें नहीं बताया, कुछ पर्सनल रीजन होगा शायद। हम बस इतना जानते हैं कि ये किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती और बोलना नहीं चाहती, बात नहीं करना चाहती। तो हमने कहा कि महिला पुलिस थाना है ना, हम मदद करेंगे आपकी, आप डायरेक्टली थाने आइए, हमसे मिलिए, हम लिखेंगे आपकी FIR। चलिए पेन तो ड्रॉर में ही होता है। ओके, यस मैडम सर, FIR लिख दी। आप ही से बात कर रहे हैं, इस केस को आप लीड कर रही हैं तो आप ही हुई ना मैडम सर? हम तजुर्बा कहता है हमारा, सांप की पूंछ और चूहे की मूंछ कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती, इसीलिए दोनों को कभी एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए। नहीं मतलब समझ नहीं आया हमको। मतलब तजुर्बा कहता है हमारा, ये कहा ना मैंने, तो कोई तो फिलॉसफी देनी पड़ती है ना। अब मतलब से हमें क्या मतलब है ना। FIR आ गई है, इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। जी ठीक है, तो फिर हम भी अपना भौकाल दिखाकर घसीट कर लाते हैं उनको। एक मिनट, आप शायद करिश्मा मैडम को ये याद दिलाना चाहेंगी कि अब आप ये केस लीड कर रही हैं तो आप डिसाइड करेंगे कि किसे क्या करना है। बिल्कुल, हम ये केस लीड कर रहे हैं तो अब हम ही बताएंगे कि हमें क्या करना है, आपको क्या करना है। तो शायद आप इन्वेस्टिगेशन यहाँ से शुरू करना चाहें कि अनारकली ने जो LPG डाइट प्लान शुरू किया है उसका एक सैंपल मार्केट से उठाया जाए और उसे लैब भेजा जाए टेस्टिंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमने यही सोचा था। तो मैडम करिश्मा, आप जाएंगी मार्केट और LPG का जो डाइट प्लान है वो भेजेंगी लैब टेस्टिंग के लिए। नहीं, आप किसी और को भी भेज सकती है अगर आप चाहें तो। मैडम सर, आपने मार्केट में क्या बात फैला दी है? क्या ये फैला है कि आपने मुझे 1000 रुपए दे पार्टी के लिए। तुमसे ये किसने कह दिया कि हमने ऐसा कहा कि हमने तुम्हें 1000 रुपए दिए पार्टी के लिए? बोलो बोलो, खामोश क्यों हो, बोलो। ये हवाई जहाज बना देंगे दोनों का, कटो यहाँ से, कटो। और तुम औरत निकलवाए तुम्हें बोलने के लिए, चलो तुम भी जल्दी। मैडम सर, आप शायद अनारकली को जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगी? हम कहना चाहते हैं कि आप बेफिक्र होकर घर जाइए। इत्मीनान से आपने FIR लिखवा दी, अब आगे की हमारी जिम्मेदारी है। अब जो हमें कहना था वो इन्होंने कह दिया, तो आप एक ही समझिए। अब जा सकते हैं। ऐसे वक्त में पुष्पा जी कहाँ गायब हो जाती है? नहीं, आने जाने का कोई टाइमिंग है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो कोई कानून कायदा ही नहीं है। हाईली अनडिसिप्लिन। हाँ, और लेकिन जो पेमेंट है ना वो एकदम टाइम पे चाहिए, उसके लिए लड़ लेंगी सबसे। ये हम ये इसका हम क्या करेंगे? डाइट पर है ना, खाइए। हैव इट। क्या कर रहे बल्ली साहब, वहां कहाँ जा रहे? जिंदगी से रिश्ता खराब हो गया क्या? क्यों, क्या हुआ? 100 रुपए निकालिए, राय देनी है जैसा कि तय हुआ था। एडवाइस के पैसे एक्स्ट्रा ले लो। बोलो। वो करिश्मा सिंह है, बहुत ही खतरनाक पुलिस वाली है। भड़क जाए तो इतना मारती है, आंखें सीधा अस्पताल में खुलेंगी। बहुत अच्छी इंस्पेक्टर है, उसी ने तो मुझे बचाया था उस पुष्पा नाम की कांस्टेबल आफत की पुड़िया से। पूछो। क्या पूछूं? अरे मोह माया है, सब मोह माया है। ये पूछूं? ये मत पूछो, इनसे पूछो कि मेरे खिलाफ, हमारी कंपनी के खिलाफ FIR किसने की थी? 100। किस बात के 100? बात FIR चेक करवाने की हुई थी। इसमें ये बात इंक्लूड नहीं है जो आप चाहते कि मैं पूछूं। 100। इनसे पूछो, जल्दी पूछो, चलो चलो चलो। अच्छा बल्ली जी, बताइए। मैडम, मैं इनका लॉयर हूँ, क्या आप बता सकती हैं कि इनके खिलाफ FIR किसने लिखवाई है? देखिए, आप मना नहीं कर सकती क्योंकि ये जानना मेरा कानूनी अधिकार है। प्लीज बताइए, FIR किसने लिखवाई है? हमने नहीं, वो FIR वो तो अनारकली ने लिखवाई है। बरवाली मुगले आजम चल रही है। हाँ ठीक है, जिस किसी ने भी की हो, FIR चेक करो और उसके 100 रुपए नहीं मांगना, उसके मैंने ऑलरेडी एडवांस में दिए तुम्हें। जोर का रिएक्शन क्या दे रहे हो? क्या लफड़ा है? आपके खिलाफ धोखाधड़ी का केस ठोका है, कंपनी के खिलाफ। एक ही बात है, सब मोह माया है। अभी आगे क्या करना है वो बताओ ना। हमने किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की है। आप बात कीजिए ना मैडम सर। हाँ, आप केस लीड कर रही हैं, आप बात करिए मैडम सर। ऑफ कोर्स, हमने आपका प्रोडक्ट चेक करवाया है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी का वजन बढ़ जाए। मैडम भाई, इससे तो यही साबित होता है कि हमने कोई धोखाधड़ी नहीं की है। देखिए, सवाल यह है कि आप अपने ऐड में दावा करते हैं कि आपके डाइट प्लान से वजन कम होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, तो फिर यह सरासर धोखाधड़ी हुई ना। आप शायद यही कहने वाली थी मैडम सर। ऑफ कोर्स, हाँ एग्जैक्टली यही कहने वाली थी मैं। यू कंटिन्यू प्लीज। आपके ऐड में जो लड़की आती है जो कहती है कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद वो उसका वजन कम हो गया, एकदम पतली पतली हो गई, स्लिम ट्रिम हो गई, मगर वो तो पहले से ऐसी ही दिखती है। और जो फोटो उसके बढ़े हुए वजन का जो फोटो दिखाते हैं आप, वो फोटो कैसा करते हैं, वो दूसरे का चेहरा चिपकाते हैं, क्या कहते हैं संतोष है मैडम सर उसे? फोटोशॉप। हाँ, वो तो फोटोशॉप किया हुआ होता है, तो ये धोखाधड़ी नहीं है? अरे बोलो इनसे कि ऐड में तो कुछ भी देखिए मैडम, ऐड में तो कुछ भी दिखाया जा सकता है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो हेलीकॉप्टर से कूद सकते हैं, और डीओ लगा लिया तो बहुत सारी लड़कियां आपको घेर सकती हैं। देखिए मैडम, आप उनको तो कुछ कह नहीं रही है, आप सब तो मेरे ही पीछे पड़ गए। बोलिए इनसे कि मैंने सही कहा कि नहीं। ले लीजिए, गर्दन हिलाने के 100 रुपए एक्स्ट्रा। सर सिर्फ गर्दन हिलाने के नहीं, गर्दन किसकी हिल रही है ये भी तो देखिए। ठीक है, वैसे तो सब मोह माया है, लेकिन इस बात का फैसला आप कोर्ट में ही हो तो बेहतर है। एक एक को देख लूंगा मैं। चलें या उसके भी 100 रुपए लोगे? लिए मैडम सर। तो अब बताइए कि इस हालात में हमें क्या करना चाहिए? मुझसे नहीं होगा मैडम सर, मैं आपकी नकल करते करते मेरी पीठ अकड़ गई। अब मैं नहीं संभाल पाऊंगी, आप ही संभालिए प्लीज। ठीक है, तो अब हालात ऐसे हैं कि बल्ली के पास है डिफेंस लॉयर जो किसी भी कीमत पर उसे हारने नहीं देगा। कोर्ट में किसी भी नकली विटनेस को खड़ा करना बहुत आसान है जो ये कह दे कि हाँ एलपीजी डाइट से हमारा वजन कम हुआ है। हमारे पास कोई सबूत नहीं है जिससे हम ये प्रूव कर सकें कि बल्ली का एलपीजी डाइट प्लान फ्रॉड है। इस तरह से तो ये केस सालों तक कोर्ट में चलता ही रहेगा, और तब तक न जाने वो कितने लोगों को और ठग लेंगे। हमें कुछ तो करना होगा ना। देर से मिला इंसाफ भी नाइंसाफी कहलाता है ना। इंसाफ चाहिए तो सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे एलपीजे कंपनी के खिलाफ। सबूत इकट्ठे हम कर सकते हैं, हमें अपने तरीके से करने दीजिए। लाठी मारेंगे, सब उगल देंगे ये जंतर मंतर, ये चीटर लोग। नहीं करिश्मा सिंह, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनारकली को इंसाफ भी मिलेगा और उसके पैसे भी वापस मिलेंगे। मगर कैसे 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 मैडम सर, कैसे वापस मिलेंगे पैसे? उसके बल्ली को यह एहसास दिलाना होगा कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो कितना गलत है, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। और ये बात बल्ली खुद कन्फेस करेगा, तब ये केस सॉल्व होगा। मगर ये सब कैसे होगा? सनी को बुलाइए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.